अपना अधिकार चाहिए, दिव्यांगों का एक भी सीट नहीं दिया है, बस हम लोग को। ये धरना स्थल नहीं है, गर्दनी बाग जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दूं कि बीते दिन काफ़ी सारे तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया और वहीं पुलिस बल के द्वारा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़े ही तेज़ी से वायरल हुआ। और आपको ये भी बता दूं कि छात्र नेता दिलीप कुमार को भी पुलिस के द्वारा धक्का दिया गया। और आज वहीं फिर से दिव्यांग अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां उन लोगों ने प्रदर्शन किया है। और वहीं इस पूरे मौके पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का बीपीएससी परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। हम लोग को अपना अधिकार चाहिए, दिव्यांगों का एक भी सीट नहीं दिया है, बस हम लोग को, हम लोग हाई कटअप से हाई नंबर ला रहे हैं, फिर भी हम लोग को नहीं पास, कटअप से भी हाई नंबर है। ये धरना स्थल नहीं है, गर्दनी बाग जाइए। नहीं रहना है, विकलांग है, 57 नंबर मेरा आ रहा है, हाई स्कूल में एक भी दिव्यांग का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है, जबकि विज्ञापन में था सर। अब क्या करिएगा? बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के साथ ही लगातार अभ्यर्थी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब बीपीएससी ऑफिस के बाहर काफी संख्या में दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि कटऑफ से ज़्यादा अंक आने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। वहीं मौके पर प्रशासन में पहुंचकर सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों पर हल्का बम प्रयोग कर बीपीएससी दफ्तर से भगा दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने कहा कि गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहां पर जाकर आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए। तो जैसा कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर दिव्यांग अभ्यर्थी पहुंचे और वहां उन लोगों ने अपने मांग को लेकर प्रदर्शन किया, और उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कटअप में अच्छा अंक आने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं आया है, जिसको लेकर वो लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। बाकी पुलिस बल के द्वारा आज भी उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, और मजिस्ट्रेट के द्वारा ये कहना है कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन मत करिए, प्रदर्शन करना है तो गर्दनी बाग स्थल चले जाइए और वहीं पर जाकर प्रदर्शन करिए। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।